Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, all of you are fine. I am here, your computer teacher, and I welcome all of you on the Digital Academic platform of International Moonlight Publishers. Now, hopefully, you have understand the first chapter easily. Now, today is our second chapter, Digital Skills. Basically, this chapter is based on the प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क है ये डिजिटल स्किल्स है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिजिटल स्किल्स पढ़ने से पहले या प्रैक्टिकल करने से पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के. सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हम थोड़ा सा हम इसको एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक ताल्लुक है, ये कोऑर्डिनेट करता है, इंटरफेरेंस है बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेज एंड इनपुट डिवाइसेज. जितने भी आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, किस तरह वो प्रोसेस होते हैं, आपको शो हो रहा है स्लाइड पर, किस तरह वो आपके कनेक्ट होते हैं, इंटरफेस करेंगे. इंटरफेस का मतलब है इनका क्या ताल्लुक होता है. आपने डाटा दिया, वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होकर आपको रिजल्ट मोनिटर भी दिखाएगा. ये जो सारा सिस्टम है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है. एग्जाम्पल है कि जैसे कल मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जाम्पल दी थी प्रीवियस लेक्चर में कि हम डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं थ्रू वाया कीबोर्ड. एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, ठीक है. वो डेटा प्रोसेस होगा कहाँ पर? सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर. और उसका जो आउटपुट है और जो उसका रिजल्ट शो होगा वो कहाँ पर होगा? आपके मॉनिटर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर होगा. तो जब ये तमाम चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपस में कम्बाइंड होती हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना लेती हैं. तो ये एक इंटरफेस है, ये एक ताल्लुक है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तमाम चीज़ों को कम्बाइंड लेके चलता है. इसके बगैर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता है. इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, ठीक है जी, आपको स्लाइड पे शो हो रही होंगी. सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको है, ठीक है. इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाता है, उसके बाद आपके पास डिवाइस आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाती हैं. ये मेन चीज़ें हैं. फिर मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ कि फोर थिंग्स हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेकर चलती हैं, जिसके बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर हम काम नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, उसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और डिवाइस ड्राइवर्स है. नंबर वन जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो आपका जो है सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा, ऑपरेट करना किसी भी चीज़ को, डैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेरेंस, एक ऐसा ताल्लुक है जैसे हमारी ब्रेन हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी तमाम चीज़ों को जो है कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है. हम बहुत पहले जाएँ तो हमारे पास हम विंडोज़ इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है वो अब विंडोज़ 98 है, विंडोज़ NT है, विंडोज़ ME है, और अब जो है लिनक्स, यूनिक्स, और अब तो बहुत ही एडवांस फॉर्म में चीज़ें आती जा रही हैं. पहले जो हमारा काम होता था ये एक्ट्स एज ए लाइक इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स मींस के कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, स्पीकर्स, इन सबको, और जो उसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सबको लेके जो चलना होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लेके चलता है. मैंने आपको एग्जांपल दिए कि प्रीवियसली हम बहुत पहले एडवांस जब हम लोग पढ़ते थे विंडोज़ 98, विंडोज़ ME, विंडोज़ NT ये यूज़ होती थी, ठीक है. अब आपके पास लिनक्स हो गई, यूनिक्स हो गई और बहुत सारी हो गई हैं चीज़ें जिसके जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, उसके अंदर जो है डिफरेंट सारी एप्लीकेशंस होती हैं और फिर आप उस पर काम कर सकोगे. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो आपको एक ताल्लुक कायम करता है आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज में और आपके जो है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में. अब हम बात करते हैं फंक्शंस की. फंक्शंस होते हैं क्या क्या काम कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम. नंबर वन, प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट है ये, इसका काम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये प्रोसेसिंग को करता है, काम को तरतीब से करता है. हम क्या काम करना चाह रहे हैं, किस तरतीब से करना चाह रहे हैं, किस तरह उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं. सपोज़ आपने कोई काम कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसको अमल कर लिया, उसके बाद वो प्रोग्राम आपसे गलत हो गया या कुछ भी उसमें कोई एरर आ गया या कोई आपको वो नहीं चाहिए, आपकी मेमोरी कंप्यूटर में इंक्रीज़ हो गई, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो. डेट इज़ कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है. सेकेंड है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट. हमारा जितना भी डाटा है, हम अपने मोबाइल से तस्वीरें वगैरह खींचते रहते हैं, ऑडियो है, टेक्स्ट है, ठीक है, वो मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है. वो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में तब तक आपका डाटा परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक हम उसको खुद से डिलीट नहीं करेंगे. डेट इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी याददाश्त होती है, जैसा हमारा
ब्रेन जो है ना हमारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वो मेमोरी है, याददाश्त है। इस तरह कंप्यूटर में जो है वो मेमोरी है, वो आपकी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को इंटरफेयर करता है, ताल्लुक कायम करता है और उस पर काम करता है। थर्ड वन हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। फ़ाइल मैनेजमेंट जस्ट लाइक इसी तरह होती है जैसा आपने हमारे घरों में चीज़ें रखने के लिए कैबिनेट्स वगैरह होती हैं कि आपने असेंडिंग और किस तरह आपने चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेजेबल फॉर्म में रखना है, कपड़े कहाँ पे रखने हैं, जूते कहाँ पे रखने हैं, बुक्स कहाँ पे रखनी हैं, इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर आप फाइल्स और फोल्डर्स बना लेते हैं, ठीक है। नोट्स का फोल्डर आप अलहदा बना लें, ठीक है। उसके अलावा आप उसका कोई अपने सॉन्ग्स वगैरह का या आप कंप्यूटर का फोल्डर अलहदा कर लिया, इंग्लिश का फोल्डर अलहदा कर लिया। अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मैं जो उससे जो रेलिवेंट मेरे पास जो टास्क है, कोई काम है, वो मैंने नोट्स वगैरह अलहदा कर लिया। तो ये जो सारी चीज़ें आपकी आती हैं ये आपकी फ़ाइल मैनेजमेंट में आती हैं कि आप किस तरह फाइल्स को लेकर चलते हो, और ये सारा डिपेंडेंट होता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इन सब चीज़ों को आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेके चल रहा होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट की। डिवाइस मैनेजमेंट होते हैं, चूँकि कंप्यूटर के साथ आपके बहुत इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच हुए होते हैं, इनपुट कीबोर्ड वगैरह और माउस के वायर्स वगैरह और सारी जो वायर्स वगैरह हैं वो उसके साथ लिंकअप हुई होती हैं CPU के साथ, और CPU के अंदर जो होती हैं जितनी भी चीज़ें अंदर लिंकअप हुई होती हैं वो सारी डेटा वगैरह डिवाइस अटैच हुए होते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ लिंकअप हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, डेट आर कॉल्ड डिवाइस मैनेजमेंट। उसको किस तरह लेके चलना है, कौन सा काम किस तरह होगा, किस तरीके से होगा, किस फॉर्म में होगा, ये डिवाइस मैनेजमेंट होता है। डिवाइस का मतलब मीन्स चीज़ें जो आप इनपुट और आउटपुट के तौर पर यूज़ करते हो, फिर उस कंप्यूटर के अंदर RAM भी लगी हुई है, ROM भी लगी हुई है, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें काम आती हैं। और लास्ट वन जो है, फिफ्थ जो है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है। हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट के ज़रिए देते हैं, वो आपका डिस्प्ले होता है, आउटपुट पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये जो दोनों चीज़ें मिलके आपस में एक काम ताल्लुक कायम करती हैं और हमें एक रिज़ल्ट शो करती हैं, वो आपका इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट आता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने टाइप्स पढ़ी, फिर हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर उसके अलावा मैंने आपको फिर 5 टाइप्स पढ़ाई हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैंने मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल शेयरिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम पढ़ेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये चीज़ पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी विंडोज़। विंडोज़ मैंने अभी आपको पहले भी क्लियर किया है कि विंडोज़ जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके कंप्यूटर के लिए, आपकी चीज़ों के लिए, जो जिस पे आप वर्कआउट करते हैं। अगर आपकी विंडोज़ किसी वजह से कोलैप्स कर जाएँ, किसी वजह से ख़राब हो जाएँ, कोई भी उसमें वायरस आ जाए या कोई भी मसला हो जाता है, तो ये तमाम उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन होंगे आप उस पर काम नहीं कर सकोगे, ठीक है। जिसमें विंडोज़ की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि विंडोज़ 95, 98, मी, NT, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारी आपकी विंडोज़ के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो विंडोज़ इज़ द मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे सारी चीज़ें बेस्ड करती हैं। सेकेंड वन आ जाता है आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड से आजकल हम लोग सब बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, हमारे जितने टैबलेट्स, हमारे ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये स्मार्टफोन, ये सारा आपका जो है एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड टच सिस्टम होता है, लेकिन ये भी एक सिस्टम पे चल रहा होता है, ये भी एक आपके उस पर सॉफ्टवेयर पे चल रहा होता है, ठीक है। हमारे पास सारी चीज़ें बनी बनाई होती हैं, हमने सिर्फ सिस्टम को टच करना होता है, ठीक है, और उसके बाद हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें भी अगर किसी वजह से कोई एरर, कोई वायरस या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो एंड्रॉयड जो है कॉमनली सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ चीज़ हो रही है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं कि आपने टच करना है और सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनमें एंड्रॉयड है, फ्लैट स्क्रीन और इसके अलावा जिस सारी चीज़ें हैं। थर्ड वन है iOS। iOS जो है वो क्लोज सर्कल सिस्टम होता है। iOS मोस्टली जो है वो हमारा यूज़ ही जो होता है कि एप्पल कंपनी की जितनी भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे iPhones हो गए, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, उनमें ये होता है, ये क्लोज सर्कल सिस्टम होता है, इसको आप ईजीली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। काम इसका बहुत फास्ट होता है, काम बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन आप इसको इजीली जो है वो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट वन ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स। लिनक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज्ड आजकल जो हो रही है कंप्यूटर्स के अंदर, जो हमारा जो सिस्टम यूज़ हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, लिनक्स यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको iOS के बारे में बताया, ये क्लोज सर्कल सिस्टम है। जो लिनक्स है वो आपका ओपन सर्कल सिस्टम है। ओपन सर्कल सिस्टम मीन्स ये है कि आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, रिलायबल है,
और हम इस पर काम अपना बहुत फास्टली कर सकते हैं। ये जो है बोथ आपके जो है ना आपके रिसोर्सेज के लिए और आपके जो है लॉट्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली क्लास यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। तो हमारा आज का जो चैप्टर था वो था डिजिटल स्किल्स, ठीक है। डिजिटल स्किल्स से हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे आपने फोर टाइप्स पढ़ी जिसको मैंने आपको डिफाइन किया। ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूटिलिटी प्रोग्राम्स था, उसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे और उसके अलावा प्रोग्राम्स, और उसके अलावा फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इन डिटेल पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसा आपका प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर तमाम चीज़ें जो है हम उस पर के बगैर नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको इसमें पढ़ाया फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ाया, और लास्ट में पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मैंने आपको बताया है विंडोज है, एंड्रॉइड है, iOS है और लिनक्स है। और ये हमारा आज का जो है कम्प्लीट जो है टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, और होपफुली आप लोगों को ये क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। और इंशाल्लाह ताला कल हम अपनी नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।